वेलकम गाइस। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ अपने ऑफिस पार्क मिंडा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम निकल गए हैं मीठापुर चौक से होते हुए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मुंबई हाईवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई हाईवे। बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे कालंदीगुंज और फिर वहाँ से निकलेंगे नोएडा में एंटर करते हुए अपने ऑफिस की तरफ। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लोग स्कूटी सीख रहे हैं, यहाँ लोग घूमने आते हैं, सुबह से वॉक करने आते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा रोड बन रहा है, इतनी स्पीड में रोड बनाया जा रहा है। तो अब हम यहीं से थोड़ा सा, मैं आज सोलो राइड पे हूँ, अकेले हूँ, तो पूरी वीडियो मैं अकेले खुद ही शूट करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि मैं पहले अपने ऑफिस जाऊँगा, कोशिश करूँगा ऑफिस में अंदर घुस के आपको पूरी प्रेमाइसिस दिखाने की। और यहाँ से कुछ 17 किलोमीटर दूर है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। व्यू देखो पीछे, ये पिलर्स इसके ला के रख रखे हैं, पिलर्स के ऊपर जो इसका पुल का फ्रेम है, पहले रेडीमेड पुल होते हैं, आगे से इन्हें अटैच कर देंगे। और इतनी जल्दी रेडी हो रहा है ना ये, पिछले साल कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और इस साल मैक्सिमम बना दिया है। बस इनको अटैच कनेक्ट करना है, सबको पार्ट्स में बनाया है ये, अब इन सबको कनेक्ट करना है बस। तो ये हम आगे कालंदीगुंज, यहाँ देखो, एक तो जो दिल्ली मुंबई हाईवे, एक तो स्टार्ट यहाँ कालंदीगुंज से होगा और दूसरा इसका स्टार्ट सराय काले खां से बनेगा। यहाँ से पुल ऊपर उठा दिया, सीधा शाहीन बाग से ऊपर होके महारानी बाग से ऊपर से निकाल के इसको सीधा सराय काले खां से कनेक्ट करेंगे। वहाँ से ये पुल स्टार्ट होगा और फिर एक स्टार्ट इसका यहाँ से ही बनेगा कालंदीगुंज से, और सीधा ये फरीदाबाद सोना रोड होते हुए राजस्थान में एंटर करेगा, फिर वहाँ से सीधा मुंबई निकलेगा ये। अब देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुपरनोवा दिखाई देने लग गई है यहीं से ही। हमें उसके साइड से निकलना है, हम जा रहे हैं 62। तो अब हम पहुँच गए कालंदीगुंज, यहाँ तक हमने 7 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। तो अब यहाँ से आगे कुछ हम जाएंगे 10 किलोमीटर अपने ऑफिस की तरफ। मेरा ऑफिस 62 में है, 62 तक जाएंगे, 10 किलोमीटर और बचा है। यहाँ से हम नोएडा में एंटर हो जाते हैं कालंदीगुंज की रेड लाइट, इसके बाद हम नोएडा में एंटर, यूपी में एंटर हो जाएंगे। तो ग्रीन लाइट हो चुकी है, चलिए चलते हैं। मौसम इतना अच्छा आ रहा है, सामने देखो जैसे बारिश, पहाड़ों में जैसा मौसम होता है बारिश होने वाली है। सुपरनोवा इतनी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ से, सबसे नोएडा की सबसे मेन बिल्डिंग है ये सुपरनोवा, नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग। साइड में ये यमुना का ब्रिज है नीचे। नोएडा इतना खाली, संडे के दिन एक तो ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ ट्रक चल रहे हैं वो, क्योंकि नॉन एंट्री आज के दिन नहीं होती। पार्क देखो गाइस, इतने साफ पार्क हैं यहाँ पे, दुनिया भर के पार्क बना दिए हैं, और रोड भी एकदम क्लीन मिलते हैं। तो दिल्ली NCR में अगर आपको राइड करनी है तो नोएडा की तरफ आ जाओ, या गुड़गांव की तरफ चले जाओ, या फिर आप इंडिया गेट के पास रहते हो तो इंडिया गेट सबसे बेस्ट है। यहाँ अभी हम जो नोएडा का सबसे लंबा पुल है उस पे जाने वाले हैं, 7 किलोमीटर का वो पुल है, वो सीधा जाता है सेक्टर 59 में ही हमारा ऑफिस है। मेरा ऑफिस आज आपको दिखाता हूँ मैं सेक्टर 59 में। ऑफिस पहुँच के मैं कोशिश करूँगा ऑफिस के अंदर जाने की, वैसे संडे बंद होता है आज के दिन, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे गार्ड अलाउ कर दे ऑफिस के अंदर जाना, तो मैं आपको अंदर जाके अपनी सीट भी दिखाऊंगा। ये है नोएडा का सबसे बड़ा पार्क, इसको मायावती वाला पार्क के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे हाथी बनाए थे उसने। जब ये बना था इसके हर एक पिलर के ऊपर हाथी बने हुए थे, तो बाद में वो हाथी हटा दिए क्योंकि कुछ लीगल इश्यू हो गया था उसमें कि अपना लोगो नहीं प्रमोट कर सकते ये। तो अब ये देख सकते हैं नोएडा इतना खाली है, यहाँ से हमें आगे लेफ्ट होना है और गोल चक्कर लेके सीधा लंबे वाले पुल पे चढ़ना है। मौसम आज काफ़ी ठंडा है क्योंकि धूप नहीं निकली अभी तक बादलों के पीछे। अब मौसम देखो, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी। तो ये देखो, ये इसकी एक गेट एंट्री यहाँ से भी है, लेकिन जहाँ टिकट मिलती है वो आगे से मिलती है, और इसकी 15 रुपये की टिकट है। इतने सस्ते में इतना अच्छा पार्क है, अंदर जाके इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ, स्टैचूस हैं हमारे पुराने लीडर्स की, स्टैचूस हैं बहुत सारे। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट हो गया हम आगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और कबूतर के लिए दाना खरीद के यहाँ पे दाने डाल के जाती हैं।
कबूतर, यहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं। अभी अभी वो कबूतर दाने बेचने वाला आया नहीं है, लेकिन रात के टाइम वो चला जाता है। अभी कुछ 8 बजे के आसपास वो बैठ जाएगा। ये देखो जैसे हाथी इस पिलर पे बने हुए हैं, ऐसे हाथी पूरे पार्क में बहुत सारे थे। फोन में रख देता हूँ क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। आगे शायद बस खराब है, उसके देखते हैं राइट से निकले या लेफ्ट से। रोड एकदम खाली है, संडे को यही फायदा साइकिलिंग का। सुपरनोवा और बाकी सारे और भी जो टावर्स हैं वो उस तरफ है, क्योंकि नीचे से सीधा ग्रेटर नोएडा के लिए रास्ता है और हम जा रहे हैं यहाँ सीधा फ्लाईओवर से नीचे, फिर आगे पुल स्टार्ट होगा लंबे वाला। आप यहाँ देखो, यहाँ नोएडा के सबसे जो बड़े मॉल हैं, एक GIP और एक DLF। DLF नोएडा का सबसे बड़ा मॉल है, GIP थोड़ा सा पुराना है, लेकिन GIP में भी अच्छा क्राउड आता है। अब यहाँ से आगे मैं दिखाऊंगा कि लंबे वाला पुल स्टार्ट होता है। पहले जहाँ 1 घंटा लगता था, अब उसी पुल से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं 7 किलोमीटर। मैं साइकिल पे हूँ तो शायद मुझे 20-25 मिनट लग जाए। ये रहा आपका मॉल ऑफ इंडिया, अगर आपको शायद दिखाई दे जूम। और ये है आपका गार्डन ऑफ गैलेरिया। यहाँ सारे डिस्क हैं, बहुत सारे डिस्क हैं। रात को अच्छा क्राउड आता है, सैटरडे नाइट तो अलग ही क्राउड होता है यहाँ पे। और GIP मॉल थोड़ा सा आगे है। तो ये रहा DLF, द मॉल ऑफ इंडिया। गाइस, खाली रोड होने का फायदा भी है कि आप अच्छे से राइड कर सकते हो, और नुकसान भी है कि बाकी ट्रक वगैरह इतनी तेज निकलते हैं, कई बार तो डर लगता है कि कहीं आप, वैसे तो अपना साइड में ही चलो अगर आप साइकिल राइड कर रहे हो तो, बीच रोड पे अवॉइड ही करो जाना, आप बिल्कुल साइड में चलते रहो, ये जो वाइट लाइन होती है। और अगर सर्विस रोड है तो सर्विस रोड पे ही चलो। वो देखो सामने एक वो पुल स्टार्ट हो रहा है जो सीधा जाता है 62। ये बहुत लंबा पुल है, 7 किलोमीटर का पुल है, तो अब हम इस पे जाने वाले हैं। तो इस पुल की मैं बात कर रहा था, इस पुल का एंड देखो, आपको एंड नहीं दिखाई देगा क्योंकि 7 किलोमीटर तक पुल चलता ही रहेगा। नीचे जो सर्विस लाइन नीचे है, मेन पुल ऊपर ही है। और सबसे मेन बात है इस पुल की कि आप क्राउड से बच जाते हो। नीचे इतना कंजेस्टेड एरिया है, क्राउड है, नीचे लगेगा आधा घंटा, ऊपर से आप 10-15 मिनट में पहुंच जाते हो अगर आप इस पुल के ऊपर। वैसे आप अगर स्पीड लिमिट देखते हो तो 60 की कार की 60 और बस की 40 है, लेकिन फिर भी सब 100+ ही चल रहे होते हैं यहाँ पे। गाइस, धूप निकल गई है, सूरज आ गया, लेकिन अभी इतनी तेज चुभ नहीं रही है, लेकिन मुझे जल्दी से वापस भी जाना है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं अपने ऑफिस में एंटर करने की कोशिश करूंगा अगर सिक्योरिटी मुझे अलाउ कर देती है। वैसे संडे के दिन कुछ ऑफिशियल काम हो तो जा सकते हैं, वरना तो सिक्योरिटी मना ही करती है अंदर जाने से। तो मैं अपनी ऑफिस प्रीमाइसेस भी दिखाऊंगा कि हमारा ऑफिस कितना बड़ा है, और ऑफिस का नाम भी आपको तब ही डायरेक्ट जाके ही दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना। इस तरह मौसम थोड़ा गर्म हो गया, तो सूरज निकल गया, इधर थोड़ा लग रहा है कि बारिश हो सकती है अभी भी। गाइस, यहाँ बीच में कैमरे आते हैं जो स्पीड ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे सब लोग 100 से ऊपर ही चलाते हैं, 100-120 की स्पीड पे, लेकिन कैमरे आती वहाँ पे अपनी स्पीड को लेके आ जाते हैं 50-55 पे, चालान से बचने के लिए। अभी हमें 59 मेट्रो, वो लंबे वाले पुल से उतरते ही आपको लेफ्ट ले लेना है, लेफ्ट लेते ही ये मेट्रो के पिलर के साथ साथ आना है आपको, सेक्टर 59 का मेट्रो दिख जाएगा। राइट साइड में ममूरा विलेज है और इधर लेफ्ट साइड में इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग कंपनियां हैं। सेक्टर 59 का मेट्रो आपको दिख गया होगा। मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि रास्ते में
रास्ते में ट्रक इतने ज़्यादा धूल उड़ा रहे थे कि फेस पे अलग ही धूल चिपक रही थी। तो मास्क अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना आप भी यूज़ कर सकते हो, मैंने फुल कवर मास्क लिया है। तो अब हम आ गए हैं कंपनी के गेट पे। ये है ममूरा चौक। ममूरा चौक पे बिल्कुल चौक पे साइड में ही ये आ गई है हमारी कंपनी। नाम आपने देख लिया होगा, स्पार्क मिंडा, इसी में मैं काम करता हूँ। तो आइए, इसके सेकंड ये गेट से एंट्री नहीं होगी, गेट नंबर 1 से एंट्री होगी। तो अगले गेट पे चलते हैं। ये पूरा इतना बड़ा एरिया स्पार्क मिंडा का है, पीछे रोड तक। तो ये आ गए इस गेट पे। अब नाम देखिएगा, इस स्पार्क मिंडा। मैं पता करता हूँ अगर कोई गार्ड होगा अगर एंट्री दे दे। सिक्योरिटी वाला भैया से बात करके मैंने परमिशन तो ले लिया, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि संडे को विदाउट अगर ऑफिशियल काम नहीं है तो यहाँ अलाउड नहीं है आना। तो मैं एक राउंड लेके अपने पूरे ऑफिस प्रमाइसिस का घर की तरफ निकल जाऊँगा। ये सिटिंग एरिया है जहाँ पर मैं बैठता हूँ। यहाँ कैंटीन है, सारे ऑफिस हैं, प्लांट भी यहीं पे हैं जहाँ सारे गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं स्पार्क मिंडा में। तो फटाफट से मैं एक राउंड लूँगा पूरे चारों तरफ से और फिर सीधा घर के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक राउंड लेने की परमिशन ली है गार्ड से। तो देखिए, अब देख सकते हैं कि कितना अच्छे से एनवायरनमेंट का ख्याल रखा गया। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। अभी ये देखो, यहाँ साइड में आम का पेड़ है। शायद आम तो इन्होंने सारे तोड़ लिए, गार्ड वगैरह तोड़ लेते हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉय भी तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पूरे में ग्रीनरी है, इतना हाइजीन है, हर जगह साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे बेस्ट है। अब मैंने अपना ऑफिस इसलिए व्लॉग में दिखाया है कि यहाँ मैं डेली आता हूँ और वीक में एक दिन मैं राइडिंग पर निकलता हूँ, तो सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो ज़्यादा देर अंदर अलाउ नहीं करा हमें, तो इसलिए निकलते हैं हम घर की तरफ। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने वाली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 8 बजे से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। तो अब वापस चल दिए हैं, मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि धूप निकल चुकी है और टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और धूल मिट्टी जो चिपकती है उससे अलग ही फेस एकदम गंदा हो जाता है। तो अब हम सीधा यहाँ से 17-18 किलोमीटर है घर। तो सीधा अब मैं रास्ते में जो जो फेमस जगह आती जाएंगी वो भी दिखाते जाऊँगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, और आप भी अगर राइड पर जा रहे हो तो मास्क ज़रूर लगाना, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है और ऊपर से गर्मी। तो अभी हम वही लंबे वाले पुल से, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसके नीचे से जाऊँ, क्योंकि नीचे से बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से मुझे कुछ खाना पीना भी है, केले वगैरह खाते हैं। चलिए, तो ये देखो वो ऊपर जो लंबे वाला पुल है उसी के नीचे देखो कितनी कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई है, जो इसमें सारे जो इंडिया के रिचुअल्स हैं, कल्चर है, उनको डिपिक्ट करा गया है, पिक्चर्स बनाई गई है, पेंटिंग है सारी है। हर एक पिलर पे डिफरेंट पेंटिंग है और दोनों साइड है। अगर आप नीचे से जाते हो तो बहुत सुंदर लगता है। आप यहाँ से रात को, यहाँ लाइटें भी लगी हुई हैं, तो अभी तो लाइटें बंद हो गई हैं। हर एक वॉल पे डिफरेंट पिक्चर है और सारी पिक्चर्स इंडियन कल्चर से रिलेटेड हैं। आगे आके देखेंगे हम, आगे इंडियन गॉड्स की, सभी भगवान की फ़ोटो हैं। अभी यहाँ सारे, ये देखिए, ये पहले के ज़माने में जो होता था इंडियन ट्रेडिशनल डांस। तो अब आगे हम जा रहे हैं, नीचे से आपको निठारी विलेज पड़ेगा, निठारी गांव जो बहुत फेमस हुआ था एक बहुत तगड़े केस की वजह से। लेकिन अब वो एरिया इतना डेंजर नहीं है क्योंकि ये डेवलप हो गया एरिया, पहले वो कम से कम 15-20 साल पहले की बात है। रोड एकदम खाली है संडे की वजह से, लेकिन गाड़ियाँ इतनी तेज निकलती है साइड से तो थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए मैं बिल्कुल साइड में चला रहा हूँ, और साथ में मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। आगे जैसे ही हिंदू गॉड्स की फोटो आने लग जाएगी वैसे मैं फिर से कैमरा स्टार्ट करूँगा। अभी मैं रख लेता हूँ, थोड़ी स्पीड खींच लेता हूँ, 7 किलोमीटर तक लंबा जाना है। क्योंकि ये देखिए, ये पोस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये है जो कोरोना का टाइम पे डॉक्टर ने, पुलिस वालों ने हमारी इतनी हेल्प करी थी, तो ये पोस्टर उनके लिए है। दोनों तरफ है, आगे मास्क भी दिखाया गया है कि हमें मास्क, कोविड हो या ना हो, मास्क हमें हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि और भी वायरस हैं अभी भी हवा में,
कोरोना नहीं है लेकिन और सारे बहुत सारे वायरस होते हैं, डस्ट होता है, तो मास्क हमें हमेशा पहनना चाहिए। आपको जब भी आप यहाँ पे आओगे आपको ऐसा लगेगा कि हर वॉल के सामने आप अपनी फ़ोटो लें, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है और वेल मेंटेन है। इसको बने काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक देखो कितने अच्छे से मेंटेन है ये, और हर एक पेंटिंग कोई ना कोई मैसेज दे रही है। अभी इसमें आपने पीछे वाले में नहीं देखा कि नीचे कबूतरों को खाना खिलाया जा रहा था। ये देखिए हमारा ट्रेडिशनल डांस राजस्थानी, आगे रासी हैं जैसे ये मछलियाँ बनी हुई हैं फेसेस, आगे हाथी बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात इस रोड की, इस रोड पर पड़ता है इस्कॉन टेंपल। इस्कॉन टेंपल पहुंच के हम रुकेंगे, थोड़ी सी विश मांग के फिर आगे निकलेंगे। इस्कॉन टेंपल एक दिल्ली में है कैलाश कॉलोनी के पास और एक नोएडा में है निठारी के पास, तो हम इस्कॉन टेंपल पहुंच के रुकते हैं। अब ये देखिए इसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल पुल के मिड में कृष्ण जी की फ़ोटो। अब यहाँ से सारे हिंदू गॉड्स की स्टार्ट हो जाएगी, कृष्ण जी की, और आगे महात्मा बुद्ध की भी है, उनके बचपन की भी फ़ोटो है। तो ऐसे करके यहाँ लाइन से इंडियन गॉड्स की फ़ोटो आने वाली। मैं थोड़ी स्पीड में चला रहा हूँ ताकि मैं सबको कवर कर सकूँ छोटी सी वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं महात्मा बुद्ध जी की फ़ोटो आ गई है और आगे फिर से कृष्णा की फ़ोटो। इतनी सुंदर पेंटिंग बना रखी है, नोएडा अथॉरिटी को आपको अप्रिसिएशन देना चाहिए। एक ये देखिए अलग अलग फ़ोटो है कृष्ण जी की। यहाँ इस्कॉन टेंपल आने वाला है इसलिए बढ़ती जा रही हैं। अभी देखिए कृष्ण माखन चुराते हुए, कृष्ण जी और बलराम जी की फ़ोटो, दोनों साइड पिलर पे आपको फ़ोटो मिलेंगी। ये पेंटिंग्स इतनी सुंदर है कि आप रुक के ज़रूर इनके साथ फ़ोटो ज़रूर लोगे। और आगे मंदिर इतना सुंदर है इस्कॉन टेंपल, हरे कृष्णा हरे राधा मंदिर, आपको क्या कहते हैं, आप ज़रूर रुकोगे। सर्विस लाइन लेके अंदर आ गए हैं तो देखिए इतना सुंदर मंदिर है, एक सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलता है वहाँ कैलाश कॉलोनी के पास। अब यहाँ रुक के मैं थोड़ी दो चार फोटो खींचता हूँ। तो मंदिर में मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ अभी मंदिर खुला नहीं है, थोड़ी देर में अभी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। अभी पूजा वगैरह स्टार्ट होने के लिए पहले सफाई चल रही है, तो अब हम निकल गए हैं। मैं आपको बाकी के पिलर दिखाता हूँ उन पर कैसे कैसे पेंटिंग है। देखिए सारे हिंदू गॉड्स की, वहाँ गणेशा की है, यहाँ पर लक्ष्मी जी की है, फिर विश्वकर्मा जी की है आगे। थोड़ा सा सेफ भी चलाना पड़ रहा है, ट्रक आ रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे कहीं, अभी ऑटो रॉन्ग साइड आ गया था। इंडिया मुझे दिख गया है जूस वाला अंकल, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी नहीं हो पाएगी? तो इनके पास तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं थी, तब अब आगे चलते हैं कोई और ढूंढते हैं। आगे एक और जूस वाला है तो इससे पूछते हैं अगर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी तो। भैया ऑनलाइन हो जाएगी ना पेमेंट? अंकल ने बेल पत्थर का जूस पहले ही बना रखा था लेकिन उसको फिर से ग्राइंड कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से मिल जाए और फिर इसे छान के देंगे। और जब तक ये जूस को छान के देते हैं गाइस, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी दबा दो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट अगर अगले हफ्ते मेरी वीडियो आती रहेगी फिटनेस रिलेटेड, और भी मेरी जिम की वीडियो आती है और भी फूड के रिव्यू आते हैं, जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनके रिव्यू आते हैं, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो अंकल जी ने मेरा जूस रेडी कर दिया है, मैंने इनको 50 रुपये वाला ग्लास लगाने के लिए दिया, देखते हैं कौन से साइज़ का ग्लास में देते हैं। सबसे बड़े वाला ग्लास ही मैंने इनको ऑर्डर किया था, तो बेल पत्थर का जूस इसलिए भी मैंने पिया है ताकि अगर हम मौसमी का जूस पीते हैं तो वो इतना हैवी नहीं होता, ये काफ़ी थिक होता है और इससे अच्छे से जल्दी पेट भर जाएगा। तो वो 50 वाला ग्लास मेरा रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके आप बताता हूँ। धन्यवाद। तो जूस हमने पी लिया, अब निकलते हैं। मौसमी से अच्छा गाइस होता है बेल पत्थर का, थोड़ा हैवी भी होता है, थिक भी होता है और आपको भूख भी नहीं लगती, फिर उसके बाद
ये कुत्ता क्या कर रहा है, इससे डर लग रहा है। बेल पत्थर आपके बॉडी को ठंडा भी रखता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार तो जरूर, एक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर पिए बेल पत्थर का, आपके पेट को भी आपके मेटाबॉलिज्म को भी सही करता है। अब यहाँ से कुछ रह गया है हमारा घर 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर हमें मुझे जल्दी से जाना होगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे। मेरा टारगेट है कि मुझे 8 बजे से पहले वापस घर पहुँचना है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा नहीं, फ़ोन जेब में रख के थोड़ा स्पीड में चलाऊंगा। और मैं कहीं अगर रास्ते में कुछ स्पेशल या फिर कुछ यूनिक दिखता है तो फिर से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वरना मैं आपको घर पहुँच के वीडियो का एंड कर दूंगा। अब तो ये मैं आ गया अपनी मार्केट में, अभी मार्केट खुली भी नहीं है और सीधा अपनी दुकान पर जा कर रुकेंगे। 5:30 बजे निकला था और 6:30 में पहुंच गया था और ये आ गए हम अपनी दुकान पे। तो मैं अपनी शॉप पे पहुंच गया हूँ, डायमंड एंड सन्स के नाम से हमारी दुकान है, देखिए पूरी ऊपर तक फ्लोर तक पूरे में शॉप है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।